हाई एवरीवान वेरी गुड इवनिंग जय हिंद वॉट इज़ रैशनल थिंकिंग रैशनल थिंकिंग क्या है आपने बहुत बार सुना होगा इस चीज़ को कि दिस इज़ नॉट रैशनल और दिस इज़ नॉट अ रैशनल थिंकिंग है क्या ये इनफैक्ट अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी एज एन ऑयल की डिफाइन करूँ तो आई विल ओनली से इफ़ इन वन लाइन आई है इट इज़ योर अबिलिटी टू लुक एट द मैटर विदाउट ब्रिंगिंग इमोशंस अगर आप बिना इमोशनल हुए किसी सब्जेक्ट के बारे में किसी मैटर के बारे में सोच सकते हैं बोल सकते हैं तो आप एक रैशनल इंसान हैं। रैशनल थिंकिंग इज योर एबिलिटी टू वर्क अपॉन सर्टन सब्जेक्ट्स सर्टन सिचुएशंस विदाउट ब्रिंगिंग इमोशंस वॉट इज हैपनिंग इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इमोशंस टेक चार्ज ऑफ यू सारा खेल इमोशंस का ही होता है अनकॉन्शियस माइंड में सारे इमोशंस ही भरे हुए हैं आप जो भी उनको नाम देना चाहें आप उनको नाम देना चाहें रिवेंज एंगर फ्रस्ट्रेशन व uh, डिप्रेशन और वडेवर वैक्टली इट इज इमोशंस मैं आपको बहुत एक कैसा सुनाता हूँ आप खुद कहेंगे यार ऐसा कैसे करता है इंसान वो ऐसा इसलिए करता है कि वो इमोशनली चार्ज हो गया उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई ही जस्ट के नॉट डिसाइड वॉट इज राइट एंड रॉन्ग रिसेंटली इन अहमदाबाद आई एम गांधीनगर मैं गांधीनगर में हूँ सो अहमदाबाद इज क्लोजर आई वॉज रीडिंगल आर नॉट न्यूज पेपर रिपोर्ट एक बंदा है एक लड़का है अट्ठारह साल का लड़का उसने क्या किया सुबह सुबह वो एक पुलिस स्टेशन में आया ये सच्ची बात है मे बी अबाउट अ मंथ ओल्ड और मे बी ट्वेंटी डेज ओल्ड ही केम टू पुलिस स्टेशन एंड चार बजे नवरात्रि का टाइम चल रहा था और पुलिस वाले भी सब नवरात्रि में बहुत बिजी रहते हैं बिकॉज़ यू नो कि गुजरात में नवरात्रि कितना बड़ा फेस्टिवल होता है और दे वर बिजी एंड देन दे वर रिलैक्सिंग और बड़े बड़ी में से चार बजे सुबह सुबह आके बोलता है कि मैंने एक बंदे को मार दिया है आई हैव किल्ड अ पर्सन उसकी बॉडी जो है मेरी गाड़ी में रखी हुई है आप एक बार आके देख लो एंड पुलिस वाले और वा शॉक मतलब व्हाट इज दिस ऑल ऑफ अ सडन हाउ कैन दिस हैपन बट दिस एंड देन वो लोग गए उसकी एक एस थी और वो लोगों ने देखा कि एस की फ्रंट सीट पर एक बॉडी पड़ी हुई है और जिस बंदे की डेथ हुई है ही इज ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड बॉय वॉज सॉरी एंड इस बंदे ने उसको इतनी बेरहमी से मारा था एट टाइम्स टैप किया था डीप वैट इज़ वॉट पेपर रिपोर्ट सीज एट टाइम्स गुस्से में आप किसी को यू नो अनटेंशनली मार दें दैट इज अंडरस्ट बट वैन यू किल सम वन वैन यू स्ट्राइक सम वन एट टाइम्स विद नाइफ डीप वीन्स इट मस्ट बी देर इन योर हार्ट सिमरिंग and then look at his mental state he is bringing that person the dead body in his own car driving that car bringing him to police station and saying and what was the matter matter was that both of them loved the same girl abba diye kahay is my rational thinking totally charged by emotions अब इसका रिपरकशन देखिए क्या होगा एक बंदे की लाइफ चली गई यंग बॉय एंड जो बच गया है उसका क्या होगा वॉट विल हैपन टू हिम विल ही एवर ड्राइव एन एस यू वी विच यूज ड्राइविंग विल ही एवर मीट एनी अदर गर्ल इन इज लाइफ इतना इरेशनल कैसे हो जाता है इंसान इतना इमोशनली चार्ज कैसे हो जाता है इंसान क्या ड्राइव कर देता है इतना मेरे हिसाब से अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम हम कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि हम रैशनल थिंकिंग को बिल्डअप करें हम चीजों को रैशनली सोचें प्रैक्टिकली सोचें मान लीजिए वो लड़की फॉर सम रीजंस आप उसको पसंद नहीं करती थी यही रीजन होगा आई एम नॉट अवेयर हो सकता है वो उसको पसंद करती हो आप रैशनली सोचो भाई जब वो पसंद ही नहीं कर रही है लड़की और

नी तुलसीदास ने रामाधारी सिंह दिनकर की है रश्मि रथी में ये लाइन है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ये कब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है मतलब रामाधारी सिंह दिनकर नहीं लिखी थी ना मैं हो सकता है शायद गलत भी हूँ बट आई थिंक इट इज़ करेक्ट तो जब श्री कृष्ण जब पहुँचे निगोशिएट करने के लिए श्री कृष्ण गए और उन्होंने हस्तनापुर दरबार में निगोशिएशन एक प्रस्ताव रखा कि ठीक है दुर्योधन तुम विजयी हो गए और मान लिया कि भाई चलो ठीक है वॉट एवर पॉइंट पॉइंट सेट इज़ करेक्ट एंड पांडव ऑन माई बिहाफ आई ऑन माई ऑन देयर बिहाफ आई एम प्रपोजिंग कि अब ठीक है युद्ध ना किया जाए सब अपने ही हैं तो आप क्या करो तुम उनको कुछ मत दो तुम उनको सिर्फ पांच गांव दे दो अगर आपने कविता नहीं सुनी है तो आशुतोष राणा साहब ने बड़े अच्छे से इसको नरेट किया है आपको मिल जाएगा वीडियो बहुत लयबद्ध तरीके में और जोश के साथ किया उन्होंने मुझे तो बहुत मज़ा आता है सुनने में आप भी सुनिएगा तो परंतु दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टा हरि को बांध नहीं चला जो था साध्य साध नहीं चला दुर्योधन ने कहा कृष्ण को कि इसको बंदी बना लो अपने सैनिकों को बोला कि इसको बंदी बना लो तब कृष्ण ने कहा उल्टा हरि को साध नहीं चला जो था उल्टा हरि को बांधने चला जो था साध्य साध नहीं चला दुर्योधन का तो इसमें जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है यही है रैशनल थिंकिंग कि दुर्योधन की भी रैशनल थिंकिंग खत्म हो गई थी एंड he chose to arrest Lord Sri Krishna and he chose to fight. आप एक बार फर्ज करके देखिए कि अगर दुर्योधन दिमाग लगाता अपना चुपचाप दे देता ठीक है ये पांच गांव ले लो तो मस्त रहो खुश रहो मजे से राजा बन के रहता उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया सारे भाई सबके सब, के सब। सारे तात्शरी जितने भी थे कुरुषोन में कर्ण उसका मित्र भिन्न मित्र एवरी वन लॉस्ट लाइफ जस्ट बिकॉज नॉट हैविंग द रैशनल थिंकिंग तो आप कभी भी अगर इमोशनली चार्ज होकर सोचते हैं इमोशनली चार्ज होकर रिप्लाई देते हैं जरूर इस वीडियो को याद कीजिएगा और मेरा एक मंत्र याद कर लीजिए आपको बहुत काम आएगा उस मंत्र का नाम है थाउजेंड वन टू थाउजेंड अब आप कहेंगे क्या है ये थाउजेंड वन टू थाउजेंड टेन मतलब कहने का कि जब भी आप चार झोंके कहीं रिएक्ट करना चाहें जब भी तो ये मंत्र अप्लाई कीजिएगा सो so कैसे काउंट कीजिए थाउजेंड वन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड टेन चार्ज होकर जब आप रिएक्ट कर रहे हो ये काउंट कीजिए उससे क्या होगा आपने आपको अपने आपने आपको आपने पॉज दे दिया यू गिवन अ पॉज थाउजेंड वन का मतलब एक सेकेंड टेन सेकेंड्स का आपने पॉज दे दिया आपने रिएक्ट नहीं किया आप चार्ज नहीं हुए और आपने उसको जाने दिया इन ए वे जो उत्तेजना अंदर से आ रही थी जो आपका अनकॉन्शियस आपको बोल रहा था कि देखी जाएगी आपने उसको कंट्रोल कर लिया बहुत जरूरी है ये तो बात हुई कि जब आप नो इंपल्सिव हो जाए और रिएक्ट करें नॉर्मल बात में भी ले लेते हैं इसको आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आपके नंबर नहीं आए आप बहुत मार्जिनली छूट गए सी की तैयारी कर रहे थे दो नंबर से छूट गए एफकेट में छूट गए सी में छूट गए रैशनली सोचिए इमोशनली चार्ज मत हुई इमोशनली चार्ज होके कहेंगे नहीं यार मेरा कुछ नहीं हो सकता मैं नहीं कर सकता मुझसे अब नहीं होगा आप सल करने लगेंगे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगेंगे इट विल हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन योर पॉजिटिव थिंकिंग बिलीविंग एंड बेयरिंग परंतु अगर आप रैशनली सोचेंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं इस बार मेरा इसलिए नहीं हुआ है कि प्रॉब्लम मैंने ये नहीं किया है आप एनालाइज करेंगे एनालिसिस करने के बाद एक विचार बनाएंगे और उसके बाद अगली बार उन चीजों पे काम करके वापस आएंगे एंड देन यू आर रेडी टू फेस द म्यूजिक रैशनल थिंकिंग बहुत जरूरी है। कभी कभी घर में हो सकता है आपके पिताजी ने आपको बहुत जोर से डांट दिया किसी बात पर तो वो गलत थे आप सही थे आप गलत नहीं थे परंतु उनको रोष आ गया और उन्होंने आपको डांट दिया प्रतिकार में आपने भी वही कर दिया तो क्या होगा आप जो वो इमोशनली चार्ज हो गए और जो आपने वो रिएक्ट किया वॉट विल इट लीड टू इट विल लीड टू यू नो वॉट आई मीन अगर आप वहां पे अपने आप को होल्ड कर लें और बाद में उनको कहें आपने वो रिएक्ट करके ना उनको एक एज दे दिया उनको मतलब किसी को भी इट कैन बी एनी वन आपके किसी खास दोस्त ने मित्र ने सगे ने कुछ ऐसी बात बोल दी और आपने भी रिएक्शन में वही बात बोल दी इन अ वे यू हैव गिवन द एज टू हिम और हर बट इफ यू डोंट रिएक्ट इफ़ यू टेक टाइम इफ यू काउंट टेन एंड इफ यू कीप काम इफ यू थिंक रैशनली बैकफुट में चले जाएंगे अब आप बाद में उनको कन्फ्रंट कीजिए आई डेंट लाइक द वे यू बिहेव एंड ही इज ऑन द बैकफुट एंड नाउ यू मेक हिम रियलाइज गेटिंग अ पॉइंट आई होप यू आर एंड रैशनल थिंकिंग बहुत मामलों में कई तरह से आपको मदद करती है आप हर चीज के लिए इमोशनल मत होइए आपको किसी से बहुत प्यार है बहुत लगाव है एक इंटरव्यू ले रहा था मैं एक लड़के का अभी तक एक लड़की के बारे में वो बहुत दुखी था और अपने पर संदेह कर रहा था कि आई वॉज रिजेक्टेड बाय दैट पर्सन दैट पर्सन रिजेक्टेड यू बट डोंट बी इमोशनली चार्ज इट टेक इट इन अ रैशनल मैनर दैट पर्सन डेंट लाइक यू द वे यू लाइक दैट पर्सन एज यू हैव द राइट टू लाइक दैट पर्सन That person also has the right to not like you. So does it mean the end of the world? No, it doesn't. You cannot force a person to love you. It's not a Bollywood movie. पहले की मूवीज में अगर आप देखेंगे ना 80s और 90s में तो यही चीज वो लोग दिखाते थे कि लड़का जो है वो लड़की को परेशान कर रहा है इन अ वे स्टॉक कर रहा है पागल बना दिया उसको ऑब्वियसली लोग भी सोचते थे कि हाँ यही तरीका है शायद एक मूवी है उसमें फूलर कांटे हैं शायद मैंने कहीं और भी किसी वीडियो में बोला हो ये बात तो वो बंदा जो है अजय देवगन साहब जो हैं वो चढ़ गए हैं छत पे और कह रहे हैं कि तुम मानो नहीं तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा और जहर पी के मर जाऊँगा इज इट रैशनल थिंकिंग आर यू एन ईडियट वाई शुड शे लव यू जस्ट बिकॉज यू लाइक हर सर इसको आप रैशनली सोचिए रैशनल थिंकिंग आपके करियर मेकिंग में बहुत काम आएगी रैशनल थिंकिंग वाला बंदा कभी भी एक नाव पे पैर रख के नहीं चलेगा मैं कहीं और भी एक वीडियो देख रहा था वो प्लान बी बनाएगा अपना एक कभी भी ही विल बी रेडी फॉर इवेंचुअलिटीज वो कभी भी फॉल फ्लैट नहीं होगा कि अरे अब तो सब खत्म अरे अब तो सब खत्म वाली स्थिति अच्छी नहीं है इसीलिए मैं सबको एडवाइस करता हूं जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं आप फौज की तैयारी करें दिलो जान से करें वो आपका पैशन है जुनून है और आपको मिलेगा ज़रूर मिलेगा परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं ये एक डायनेमिक एग्जाम है इसमें पहले आप रिटर्न करेंगे चाहे मान लीजिए आप डायरेक्ट एंट्री हैं एस एस अपने आप में बहुत डायनेमिक है आपने वो भी पार कर लिया तो मेडिकल है यू नेवर नो मेडिकल में मेरे स्टूडेंट्स जो रिकमेंड होते हैं वो बताते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जो उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी है एक पर्टिकुलर मेजरमेंट uh, uh, है जिसमें एंगल ऑफ योर हैंड्स एंड मेजर्ड वो किसी का कम ज़्यादा हो जा रहा है तो यू डॉट नो यू आर फिट पर्सन बट फ्रॉम देट परस्पेक्टिव यू आर नॉट फिट पर्सन सो अगेन मेडिकल इज ऑल्सो डायनेमिक एक मेरा स्टूडेंट है बहुत अच्छा दोस्त भी है अब उसका सरप्राइजिंगली थी थ्री किडनीस सप्राइज्ड बट देर आर पीपल विथ थ्री किडनीज एंड इज नॉट फिट बट इज फिट सो डायनमिक है इसीलिए आपका प्लान भी अगर नहीं चल रहा है साथ में अगर आप साथ में कुछ और नहीं कर रहे हैं किसी और चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं परंतु एक एकदम एक मत होके और अनंत की ओर चले जा रहे हैं ये तो सब नहीं तो ये तो वही बात हो गई कि एक तरफा सा इश्क है आगे देखेंगे क्या होगा नहीं ये तरीका ठीक नहीं ये रैशनल नहीं है रैशनल थिंकिंग क्या होगी आप साथ में सीजील की भी तैयारी कर रहे हैं बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं जान से कर रहे हैं तो ये नहीं तो वो सही तो वो नहीं तो वो सही आप कभी भी फॉल फ्लैट नहीं होंगे इनफैक्ट जो लड़की वाली बात कही तो उसमें मुझे एक कविता, कविता नहीं हमारे टाइम में बड़ी अच्छी शायरी होती थी कि नॉट फॉर लड़की मतलब एवरी वन कि तू मेरा इश्क है जुनून नहीं तू मेरा इश्क है जुनून नहीं तू नहीं तो कोई और सही तो इसी पे मैं आपको एक मूवी भी रिकमेंड कर देता हूँ शाहरुख खान साहब की बहुत खूबसूरत क्लासिक मूवी कभी हाँ कभी ना उसका क्लाइमेक्स देख के आपका मन खुश हो जाएगा कि ठीक है तुम नहीं मिले तो क्या हुआ कोई और आएगा है कि नहीं तो इस पे यकीन जरूर रखें रैशनली सोचें रैशनल थिंकिंग में एक और एग्जाम्पल दे दूँ कि कब हमारा इम्पल्स हमारा टेक चार्ज कर लेता है हमें पता ही नहीं चलता है इतना रिग्रेट करता है बंदा आज की डेट में नीतीश कुमार साहब पता नहीं क्या बोल गए दिमाग पता नहीं कहां रखा है उल्टा सीधा बात कर दिए अब रिग्रेट पर रिग्रेट मार रहे हैं तो मैं अपना शब्द वापस ले रहा हूं कुछ फायदा नहीं है डैमेज इज डन जस्ट जश डू एनीथिंग दिल्ली में आप लोगों ने पढ़ा होगा रोड रेज में एक बंदा गाड़ी चला रहा है फर्स्ट क्लास लैंड रोवर चला रहा है बताइए प्रकृति ने कितना ब्लेस किया उसको भगवान ने कितनी ब्लेसिंग दी है कि लैंड रोवर चला रहा है हाउ मेनी पीपल कैन ड्राइव लैंड रोवर किसी एक छोटी सी कार वाले ने बेचारे ने ओवरटेक कर लिया हॉर्न बजा दिया भाई साहब वो गुस्सा आ गया और निगाले लैंड रोवर फुल स्पीड जाके उसके सामने ब्लॉक कर दी खड़े हो गए वो बंदा भी थोड़ा थर्ड टेंपरमेंट वाला उसने भी आर्गूमेंट किया मैंने क्या गलती की है इन्होंने निकाली पिस्तौल ठाए ठाए दो गोली मार दी अब उसके बाद क्या आप हीरो बन गए फॉर दैट मोमेंट आप अपने लिए हो सकता है अपनी आंखों में फॉर सम रीजन हीरो बन गए अब क्या होगा आपने सोचा है कभी लैंड रोवर चलाएंगे आप इंडिया कोई अफगानिस्तान थोड़े ना है सॉरी नॉट अफगानिस्तान मतलब कोई लॉलेस स्टेट थोड़े ना है कि आप किसी को भी मार के निकल जाएंगे It is not a lawless state, so you cannot just shoot people and run. So, point of the matter here to understand, my dear friends, is think rationally, be ready for eventualities. Emotional ki mat suchi. dil ko haath mein mat chaliye. dekho tab dil aage kar Nahin. Think in a very rational manner. What is correct? What is not correct? What should be done? What should not be done? If this has happened, no my no problem. How am I going to move ahead? Rational thinking is very, very essential. Thank you. I hope you got my point. Do like this uh, video if you really liked it. Share it and subscribe to my channel. Talk about it. Thank you, Jai Hind.